हेलो नमस्ते खुलुम्बाई, मैं सुस्मिता आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने लाई हूँ एक रेसिपी वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारजी जंग ओमा बेदोर। नारजी मतलब होता है ड्राई जूट लिप्स, और उसके साथ बनेगा पोर्क। और मेरा चेहरे में थोड़ा आज जल गया है, सुबह ब्रेकफास्ट बनाते वक्त तेल छिटक गया था पराठा बनाते वक्त। आप लोग ज़्यादा मत सोचना, अभी जल नहीं रहा है, मैंने मेडिसिन सब लगा लिया है। और मेरा आवाज़ भी थोड़ा बदला लगेगा क्योंकि मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है। तो चलिए सब साइड में रख के हम अभी बनाना शुरू कर देते। यह नारजे मतलब ड्राई जूट लिप्स, इसको बनाने से पहले रात भर भिगोया जाता है, तो इसलिए मैंने कल रात को इसको भिगो के रखा था। तो मैं अभी इसको अच्छे से धोने वाली हूँ। तो इसको इसी तरह से अच्छे से धोना है, इसमें से ये सूखी हुई पत्ती से काला रंग निकलता रहता है। इसको हमें तब तक धोना है जब तक ये काला रंग पूरी तरीके से निकल के ख़त्म ना हो जाए। और इधर लिया हमने पोर्क, इसको भी अच्छे से धो लिया है, और इधर हमारा नारजी भी अच्छे से धोना हो गया है। तो चलिए अभी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने ऐसा एक बर्तन लिया, और बर्तन गर्म होने पर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल दिया, और मैंने एक प्याज काट के यहाँ पे दिया। तो इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए अच्छे से फ्राई करके उसके बाद यहाँ पे मैं नारजी दूंगी मतलब ड्राई जूट लिप्स। ये बोरो ट्राइब का बहुत मशहूर डिश है, बोरो पीपल्स का फेवरेट भी। ये लिप्स एक्चुअली जूट का है मतलब पटुआ का। इसको अच्छे से तोड़ के सुखाया जाता है, और इसको सूखने के बाद किसी टाइट कंटेनर या बैग सब में रखा जाता है। तो आप इसको पूरी साल थोड़ा थोड़ा निकाल के इसे ही खा सकते हैं। तो ज़्यादातर ये हर बोरो घर में ही होता है, रखते ही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई करने के बाद अभी मैंने स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक दिया और थोड़ा सा हल्दी, और मैं बस इसको थोड़ा टाइम ही अच्छे से मिला के मैं इसमें पानी दे दूँगी। इसमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं इसको। तो मैं यहाँ पे पानी दे रही हूँ, और पानी हमको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में देना है क्योंकि इसे पकने में काफ़ी वक्त लगता है। यह है खारे मतलब ऑर्गेनिक सोडा जो बनाना ट्री से बनाया जाता है, तो इसको भी हमें यहाँ पे देना है अभी। इस ऑर्गेनिक सोडा को देने का मतलब है कि हमारा नारजी अच्छे से पकेगा। तो अभी हम इसको ढक के रख रहे हैं। तो इस साइड मैं दूसरी कढ़ाई में अभी बनाने जा रही हूँ पोर्क को। कढ़ाई गर्म होने पर मैंने दिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और उसके बाद दिया मैंने थोड़ा सा खरा जीरा, और उसके बाद दिया मैंने प्याज और 3 सूखी मिर्ची। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। तो हमको तेल को ज़्यादा नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी पोर्क में बहुत फैट्स होता है। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी मैं यहाँ पर दे रही हूँ पोर्क। तो इसको मैं अभी ऐसे अच्छे से फ्राई करूंगी बिना कुछ दिए थोड़ा टाइम के लिए, ताकि इसका पूरा फैट्स अच्छे से निकल जाए। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया था, उसके बाद दिया मैंने स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा हल्दी, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको अभी मैं थोड़ा टाइम के लिए फिर से अच्छे से फ्राई करूंगी। तो थोड़ा फ्राई करने के बाद मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए ढक रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें पानी देके फिर से पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो चलिए देखते एक बार हमारा नारजी इधर कैसे बन रहा है। देखिए ये उबलने लग गया है। तो जैसे कि तभी मैंने ऑर्गेनिक सोडा दिया है, तो उससे ये पूरा अच्छे से गल जाएगा थोड़ी देर में। और इधर पोर्क का पूरी तरीके से पानी सूख गया है, और पोर्क भी अच्छे से पक चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता दिया था। तो ये पोर्क अभी नारजी में देने के लिए रेडी है, लेकिन इससे पहले हमको सागोंग घुमाना है। सागोंग क्या चीज़ है चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो कि आप देख सकते हैं नारजी अभी भी पत्ता पत्ता है, और ये है सागोंग जो बेम्बो से बनाया गया है घर में। इसको ऐसे घुमाने के बाद ये पूरी तरीके से अच्छे से गल जाएगा। ये जो मैं घुमा रही हूँ उसको बोरो में सागोंग बोलता है। ये घर में बना है बेम्बू से, लेकिन खरीदने को भी मिल जाता है आजकल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सागोंग घुमाने के बाद ये अच्छे से गल गया है। तो अभी हम यहाँ पे पोर्क दे सकते हैं। तो ये पोर्क को मैं पूरा नहीं दूंगी, बस हाफ ही दूंगी।
नारजई और पोर्क का फेर से ये सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। बोरो में बोला जाता है मिलो लाइन आई, मतलब मुंह में मेल्ट हो जाता है इसका, ऐसा टेस्ट होता है। थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी लगता है ये। जिसने भी इसका टेस्ट लिया उनको तो पता ही है। तो पोर देने के बाद मैं 5 मिनट्स के लिए फिर से इसको ढक के पकाऊंगी। उसके बाद हमारा नारजी ओमा का डिश रेडी हो जाएगा। तो हमारा सब्जी अभी रेडी है। ये दिखने में काला होने की वजह से इसको ब्लैक करी भी बोला जाता है। तो उम्मीद है आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।